राम कलाए हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में जनता बोल रही है कि अगर 22 में तो आएगी है, 2027 में भी भाजपा की सरकार जो है। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई है बारिश में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी। जरा रुकिए, कहीं जाइए नहीं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। जहां अखिलेश का खेमा कह रहा है 22 में 22 कल, वहीं जनता की और हमारे अभी तक के सर्वे की माने तो मंदिर का सेंटीमेंट कुछ ऐसा है कि जनता बोल रही है, राम कलाए हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। चलिए हम कुछ देर में ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको भी साफ नजर आएगा कि वाकई किसकी सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, चुनाव का दौर है, रैलियों पे रैलियां हो रही हैं, वहीं टोटी चोरी वाली घटना जनता के जेहन से नहीं निकल पाई है, तभी तो जनता ये गुनगुना रही है। यूपी से योगी को हम जाने ना देंगे, टोटी चोर को हम फिर से आने ना देंगे। खैर, अब दिखाते हैं ग्राउंड की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जनता और राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बस्ती की जनता है, अलग अलग पार्टियों के विचारधारा के लोग हैं, और इनसे पूछेंगे इस बार किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है, किन मुद्दों पे ये वोट करेंगे और कौन सी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या मुद्दे हैं युवाओं के लिए या फिर जो महिलाएं हैं उनके लिए, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा? चुनाव जो काम अधूरे रह गए हैं इस बार भाजपा सरकार में, उन मुद्दों पे चुनाव होगा। और लगातार जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है 2017 से लेके अभी तक जितना काम किया है इस सरकार ने, लगातार लोगों में विश्वास जगा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस सरकार को, और पुनः 2022 में, और मुझे तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर 22 में तो आएगी है, 2027 में भी भाजपा की सरकार जो है यूपी में आएगी। काम के बदौलत बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी आपका ये कहना है, लेकिन रोजगार के मामले में तो थोड़ा सा पीछे है सरकार आपकी। लगभग अभी तक उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक की नौकरियां जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है जो है। किन क्षेत्रों में नौकरी मिली है? क्या मनरेगा मजदूरों को जो काम दिया जा रहा है वो भी जोड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, मनरेगा मजदूर नहीं, ऐसे युवाओं को जो रोजगार दिया गया, लगभग 5 लाख से अधिक रोजगार जो है पूरे उत्तर प्रदेश में दिया गया अभी तक। Yes, I want to take out my thoughts on this matter. As far as my concern, whatever I have seen in the government of BJP as well as in the government of Samajwadi Party, the way they have been wooing us, the way they have been wooing us that we will be giving employment to each and everyone whosoever will be attempting to get this. So as far as my concern, the government will be saying us to that. ये बताइए सर, आपको क्या लगता है, विकास पे चुनाव होगा या फिर युवा परेशान है, आम जनता परेशान है यूपी की, और उस आधार पे वो लोग वोट करेंगे? नहीं, विकास पे भी चुनाव होगा और कोई परेशान भी नहीं है, विकास जबरदस्त यूपी में हुआ है। पूरे भारत का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आवास उत्तर प्रदेश में मिला है, सबसे ज़्यादा शौचालय उत्तर प्रदेश में मिला है, सबसे बेहतर सड़कें उत्तर प्रदेश में हैं। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, पिछली सरकारों में जो 2012 से 2017 की सरकार चलाई थी, उसमें नेताजी अपनी सफारी और तमाम लग्जरी वाहनों से जाते थे गांव में। गांव की जनता यह सोचती थी कि नेताजी हमारी दुख सुख का हाल चाल लेने आए हैं, लेकिन नेताजी दुख सुख का हाल चाल लेने नहीं, गांव की ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए गए थे, और गांव की तमाम ज़मीनों पे जो है अवैध रूप से सपा की सरकार में लोगों ने कब्जा किया है। जब से योगी जी सरकार में आए, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, सबको चिन्हित करके और सब पे बुलडोजर चलवाने का काम किया, और ज़मीन खाली करवा के उस पर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम किया जा रहा है, और युवाओं के लिए तमाम स्टेडियम बनाने का काम किया जा रहा है, और विकास बहुत जबरदस्त। सर, ये बताओ, आपने कहा थार गाड़ी भी चढ़ाई जा रही है, थार गाड़ी भी चढ़ाई जा रही है, और जो चढ़ा रहा है उनके ही पिता को स्टेज पे सम्मानित भी किया जा रहा है, ये भी सारी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, 2022 में इसका परिणाम भी सामने आएगा। जवाब दीजिए इनके सवालों का। गाड़ी भी चल रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। जो दोषी था उसको सजा मिली है, ऐसा नहीं है कि उसको सजा नहीं मिली, बस जो दोषी नहीं है उसको कैसे सजा मिलेगी? कानून तो यही कह रहा है, जो कानून के तहत जो हो रहा है कार्रवाई हुई है, सारी कार्रवाई हुई है, इससे इतर कुछ नहीं हुआ है,
ये सब झूठे अफवाह हैं। ये विपक्षियों का जो है, विपक्षी यही एक मुद्दा बनाए हैं, यही थार गाड़ी और ये सब चीज़ें, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये तो बड़ा दर्दनाक घटना तो थी, क्योंकि उसका तो वीडियो है, प्रमाण है। घटना तो दर्दनाक थी, हम लोग उसका जो है, हम लोग संवेदना भी व्यक्त किए हैं, उन लोगों में पूरी पार्टी संवेदना व्यक्त की है, सभी लोग। लेकिन जो वास्तविक जो दोषी था उसको सज़ा मिली है। विकास आप देखेंगे जब गांव में जाएंगे और गांव में उस परेशान व्यक्ति से पूछेंगे जो अभी तक आवास नहीं पाया था, जो अभी तक राशन नहीं पाता था, जो शौचालय नहीं पाया था, जो अच्छी सड़कें नहीं पाई थी, जो सुविधा, जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिला था, वो अभी जाएंगे और आम जनता के लोगों में जाएंगे, विषय में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो जानेंगे ये चीज़ कि गांव में कितनी मूलभूत सुविधाओं, शौचालय नहीं पाया था, जो अच्छी सड़कें नहीं पाई थी, जो सुविधा, जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिला था, वो अभी जाएंगे और आम जनता के लोगों में जाएंगे, विषय में जाएंगे, गाँव में जाएंगे तो जानेंगे ये चीज़ कि गाँव में कितनी मूलभूत सुविधाओं से लोग अछूते थे, अब उनको इतनी सुविधाएँ मिल रही हैं कि जिसका आप खुद ही स्वयं जाके जो है, आप गांव के ग्रामीण से, उस गरीब से, किसान से, ऐसे मजलूम लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि विकास कहां हुआ है। आपको क्या लगता है, साइकिल पंचर हो जाएगी या फिर से कमल खिलेगा यूपी में? वॉट एवर ही सैड, आई एग्री ऑलमोस्ट ऑन इट, बट डेफिनेटली BJP कैन बी आउट ऑफ कैंपेन, बट द अपोजिशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी, सो दैट इज वी कैन नॉट सी दैट BJP विल बी लूजिंग दिस फाइट अगेंस्ट SP। इफ अपोजिशन विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, सो डेफिनेटली BJP कैन लूज, बट वॉट इज टूडेज सैनरियो, BJP विल डेफिनेटली बी विनिंग। आपको क्या लगता है कि इस बार BJP जो कैंडिडेट उतारेगी, उस चेहरों पे चुनाव होगा कि वाकई सिर्फ योगी मोदी के नाम पे ही फिर से वोट? चेहरों पे भी चुनाव होगा, योगी जी और मोदी जी के नाम पे भी चुनाव होगा, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है और कैंडिडेट भी हमारे योग्य और अनुभवी कैंडिडेट। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार, हिंदुत्व या विकास? विकास ही मुद्दा है। BJP तो कह रही है हिंदुत्व पे? नहीं, हिंदुत्व तो हमारा धर्म संस्कृति है, उसको हम कहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन विकास को भी हम भुलाया नहीं जा सकता उसके साथ साथ। तो ये बस्ती की जनता थी जिन्होंने अपने अलग अलग तरीके से अपनी राय रखी, और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सत्ता उत्तर प्रदेश में आती है। वीडियो एडिटर दिलीप महाराणा और सहयोगी सतीश श्रीवास्तव के साथ ओनली न्यूज 24x7 टीम, बस्ती उत्तर प्रदेश। अगर 22 में तो आएगी है, 2027 में भी भाजपा की सरकार जो है। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई है बारिश में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी। नाम कलाए हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी से योगी को हम जाने ना देंगे, चोटी चोर को हम फिर से आने न देंगे। कि अगर 22 में तो आएगी है, 2027 में भी भाजपा की सरकार जो है। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई है बारिश में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी।